दोस्तों, आज हम देखेंगे बैटरी कैसे रिपेयर करते हैं। ये MI का नोट 7 प्रो मोबाइल है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि रिस्टार्ट होता है, और कोई कोई मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जल्दी चार्ज होते हैं और जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले बैटरी निकालते हैं। बैटरी को आराम से निकालें क्योंकि हमें इसे रिपेयर करना है। ध्यान दीजिए, बैटरी निकालते वक्त ख़राब ना हो। हमने बैटरी निकाल लिया है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि बैटरी फूगी हुई ना हो। बैटरी फूगी होगी तो रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, ये बैटरी ठीक है। अब हम इसका कवर निकालते हैं आराम से। कवर निकालते वक्त ये ध्यान रखें कि इसकी स्ट्रिप नहीं कट जाए। इसे आराम से निकालें, ठीक है। ध्यान दें कौन सी सेट फोल्ड होता है, वो उसी सेट फोल्ड करें उसको। ओके, ये पार्ट्स है जो हम चेंज करेंगे। ओके, दूसरी बैटरी ले ली हमने, इसे भी उसी तरह खोलेंगे। आराम से निकाले, ठीक है। ठीक है, इसमें भी इसी सेम पार्ट है। किसी किसी बैटरी में छोटे बड़े डायवर्ट आते हैं, देख ले पहले सेम है। ठीक है, अब हम इसे आयरन से निकालेंगे। आयरन से निकाले, ब्लोअर का और हीट गन का इस्तेमाल नहीं करें। और निकालते वक्त ये ध्यान दें कि आयरन किधर और जगह पे टच ना हो हमारा, तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, आयरन से ही निकल जाता है आराम से, ब्लोअर की ज़रूरत भी नहीं लगती है इसे निकालने में। ये निकल गया है, ठीक है। ये वो है जो हम हमारी बैटरी में लगाएंगे। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अब हमारी बैटरी में से निकालेंगे। ठीक है, संभाल कर निकाले, ये निकल गया है। अब हम इसमें ओके वाला लगा देंगे पार्ट। ठीक है, पार्ट लगाते वक्त ध्यान दे शोल्डर कोई और जगह न लग जाए, जिससे कि बैटरी हमारी ख़राब हो जाएगी। इसे ध्यान से लगाना है और ध्यान देना है कि सोल्डरिंग बराबर हुई है कि नहीं तो सोल्डरिंग बराबर नहीं होगी तो हमको ऐसा लगेगा कि पार्ट्स ख़राब है, क्योंकि सेम इशू आएगा। फिर प्रॉब्लम वही आएगा कि मोबाइल रिस्टार्ट होगा। ठीक है, हमने वन साइड लगा दिया है। इसे दूसरी तरफ भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं एक बार। ओके, ये दोनों तरफ सोल्डरिंग हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं परफेक्ट लगा है क्या नहीं। ओके, ठीक है, ये सोल्डरिंग बराबर हो रही है। ये लग चुका है। अब हमें ये ध्यान देना है, ये जो हम स्ट्रिप फोल्ड करते हैं तो उसे आराम से करें,
नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। ओके, इसे आराम से फोल्ड करते हैं, कोई घाई नहीं। हमने फोल्ड कर दिया है, अब इसका कवर लगा देंगे हम। ये हमने कवर लगा दिया इसका, ठीक है। अब हम करेंगे मोबाइल चेक। अब बैटरी को लगाते हैं मोबाइल में। ओके, ये हमने बैटरी लगा दी। ये चार्जिंग बोर्ड की स्ट्रिप, ये डिस्प्ले की स्ट्रिप, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करते हैं हम। अब हम चालू करेंगे मोबाइल, देखते हैं। ठीक है, हमने मोबाइल चालू कर दिया है, ठीक है। ये बढ़ रहा है आगे, पहले मोबाइल यहाँ तक नहीं चालू होता था, यहाँ से रिस्टार्ट हो जाता था। अब ये पूरी तरह से पुरानी बैटरी पे ही चालू हो गया है, तो अभी से हमको बैटरी